अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने की अच्छी गेंदबाजी और इस वजह से निकल गई आरसीबी के हाथ से जीती हुई बाजी। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं दुबई में दे दनादन। आखिर में उम्मीद टूटी आरसीबी की और जो एक्सपेरिमेंट्स विराट कोहली ने बल्लेबाजी में किए थे वो भारी पड़ गए। एबी डिविलियर्स को नंबर 6 पर खिलाना टीम को भारी नुकसान पहुंचा गया और एक समय ऐसा लग रहा था कि आरसीबी ये मैच बहुत आराम से जीत जाएगी। भुवनेश्वर कुमार ने बाजी पलट दी। भुवनेश्वर कुमार के अच्छे फॉर्म पर बातचीत करेंगे। उमरान मलिक ने जिस तरह से रफ्तार भरी गेंदबाजी की, एक इतिहास रचा। उन्होंने 153.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने गेंदबाजी की और कंसिस्टेंट रफ्तार और धार के साथ वो गेंदबाजी करते नजर आए। भारतीय क्रिकेट उनको भविष्य के एक बेहतर गेंदबाज के तौर पर कैसे इस्तेमाल करता है, इस पर आगे बातचीत करेंगे। और साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद ने किस तरह से काम बिगाड़ा आरसीबी का, ये आपको बताएंगे। लेकिन इन सभी मुद्दों पे चर्चा करें अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से। उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जेसन होल्डर ने क्या कुछ कहा और मैच हारने के बाद माइक हैसन ने अपनी रणनीति के बारे में क्या कुछ कहा, आइए वो सुन लेते हैं। तो आपने सुना हेड कोच आरसीबी के माइक हैसन ने किस तरह से कहा कि मैक्सवेल के आउट होने के बाद मैच का नक्शा बदल गया। वहीं आप जेसन होल्डर को भी सुन रहे थे। जेसन होल्डर ने किस तरह से बताया कि सनराइजर्स हैदराबाद ने विराट कोहली को आउट करने के बाद ये तय कर दिया था कि ये जो रन चेस है आरसीबी के लिए बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सबा करीम हमारे साथ हैं और रितेंद्र सोडी हमारे साथ हैं। सबा भाई, क्या गड़बड़ हो गई आरसीबी, जिसको 15.4 ओवर में अगर वो रन बना देते तो शायद चेन्नई को पीछे छोड़ के वो नंबर 2 पे जा सकते थे। वो इंटेंट नजर नहीं आया, मैच तो हार गए लेकिन इंटेंट भी नजर नहीं आया और ऐसा लग रहा था कि जो बैटिंग ऑर्डर में लगातार एक्सपेरिमेंट्स कर रही आरसीबी वो भारी पड़ गया इस मैच में विराट कोहली एंड कंपनी को। आपको याद होगा केएस भरत जब भी आ रहे थे ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 पर, तब मुझे लगा कि आरसीबी की बल्लेबाजी में थोड़ी स्थिरता नजर आ रही थी। विराट कोहली बहुत जल्दी आउट हो गए, उसके बाद जो साझेदारी बनी भी तो ग्लेन मैक्सवेल और पाडुकल के बीच में बनी। मुझे लगता नहीं था कि आरसीबी ये प्रयास कर रही थी कि उनको ये जो टारगेट है वो अचीव करना है 15 ओवर के बाद के करीब, पर कम से कम ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था उनके लिए क्योंकि उनका मुकाबला था एक ऐसी टीम के साथ जो पूरी तरह से ऐसे भी कंटेस्ट से बाहर है और बॉलिंग अटैक में नयापन था। उमरान मलिक नए नए प्लेयर आए हैं खेलने के लिए, कोई ऐसा कोई बड़ी बात थी नहीं, पर उसके बावजूद आरसीबी का हारना मुझे लगता है ये बहुत बड़ा धक्का रहेगा उनके लिए क्योंकि अभी तक उनका बैलेंस, उनकी जो सोच है, उनकी जो मानसिकता है, वो सब कुछ ठीक जा रही थी और उनकी गेंदबाजों ने अच्छी तरह से रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया था। तो एक ऐसा मैच जिनको जीतना चाहिए था, वो अगर आप हार जाते हैं तो इससे आपको प्लेऑफ्स में जो क्वालिफाई करें वहाँ के कॉन्फिडेंस के लिए मुझे लगता नहीं है कि ये उचित रहेगा आरसीबी के लिए। जी बिल्कुल रितेंद्र, और 3 गेंदों पे 12 रन एबी डिविलियर्स क्रीज पे हो, पहली बॉल पे वो छक्का लगा देते हैं, फिर अगली 2 गेंदों पे रन नहीं बनते। एबी डिविलियर्स का नंबर 6 पर बल्लेबाजी कराना कितना सही मान रहे हैं? के भरत को लगातार प्रमोट तो किया जा रहा है, कभी नंबर 3 पे खिलाते हैं कभी नंबर 4 पे। मैक्सवेल जो इस टूर्नामेंट के हीरो रहे फेज 2 के, जो लगातार नंबर 4 पे अच्छा कर रहे हैं, अब उनको नीचे नंबर 5 पे कर देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स इतने ज्यादा विराट कोहली क्यों कर रहे हैं इन दिनों, वो चाहे भारतीय टीम के साथ हो या आरसीबी के साथ हो? जी हाँ बिल्कुल राजीव, इतने एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत नहीं है और आपके दिग्गज ग्लेन मैक्सवेल और अगर एबी डिविलियर्स की बात करें वो इतने नीचे आएंगे तो आपको मुश्किल तो होगी, और ये ऐसे प्लेयर हैं आप इनको ऊपर रखिए, इनको जितनी बॉल ज्यादा मिलेंगी ये उतना ही अपना कहर ढहा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो कल जिस सिचुएशन में एबी डिविलियर्स आए, मैं मानता हूं वो मैच बदल सकते हैं अपने दिन, लेकिन यहां पे जिस तरह उनको बॉलिंग की गई भुवनेश्वर कुमार के द्वारा सराहनीय, इतने प्रेशर में ऐसी बॉलिंग करना ऐसे दिग्गज को कते आसान नहीं है। लेकिन जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, विराट कोहली का जो एक्सपेरिमेंटेशन मोड है इसको थोड़ा सा कम होना होगा, थोड़ी स्थिरता आनी होगी, क्योंकि चैंपियन प्लेयर है, चैंपियन कैप्टन है, बट कहीं ना कहीं जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो आपको मुश्किल में डालते हैं और कल ऐसा ही कुछ हुआ है। अब टॉप 2 की रेस से आरसीबी बाहर हो गई है, जो बहुत बड़ा धक्का है आरसीबी के लिए। खासतौर से अगर हम इस मैच में परफॉर्मेंस की बात करें, जिस तरह से उमरान मलिक ने 153.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की है, एक नई सेंसेशन के तौर पर आईपीएल सीजन 14 में निकलकर सामने आ रहे हैं,
कैसे आप देखते हैं उनकी गेंदबाजी को, और साथ ही भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने स्टार्ट अच्छा किया, पहले उन्होंने विराट को आउट किया, फिर अंतिम ओवर में उन्होंने 12 रन नहीं बनने दिए जबकि एवी डिविलियर्स के पास स्ट्राइक थी, दो पॉजिटिव साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए? बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये। चलिए, उमरान मलिक तो पहला आईपीएल टूर्नामेंट खेल रहे हैं इस साल का, यहाँ पर जिस गति से वो बॉलिंग कर रहे हैं उनको अगर यहाँ से ठीक प्रकार से मॉनिटर किया जाएगा, उनको गाइड करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये भारत के लिए भी खेल सकते हैं, क्योंकि युवा पेस बॉलर आपको चाहिए जिसके पास गति हो, वो भी 150 से ऊपर करने की जिसमें क्षमता हो, तो उसको ठीक प्रकार से आपको प्रिजर्व करना होता है और ठीक तरह से गाइड करना होता है। भूवी के लिए बहुत ज़रूरी था कि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है उसके पहले वो रिच फॉर्म दिखाएं, जो कि भूवी ने किया है, नई गेंद के साथ अच्छी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, और अंतिम के ओवर में आप सोच लीजिए 12 रन चाहिए, वो भी एबी डिविलियर्स हैं आपके सामने, और वहाँ पर मैच को बचा लेना, मैच अपने हक में कर लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये दर्शाता है उनका आत्मविश्वास। उसके साथ साथ मुझे लगा कि सिद्धार्थ कौल और जेसन होल्डर ने भी अच्छी गेंदबाजी की सनराइजर्स के लिए, भारत के दृष्टिकोण से तो काफ़ी अच्छा रहा, पर ये सनराइजर्स के लिए भी सही है क्योंकि अब उनका आने वाले समय में उनका ऑक्शन होने वाला है, तो अब वो एक दो प्लेयर्स के बारे में सोच सकते हैं कि किनको रिटेन किया जाए, किनको वो और भी नेक्स्ट ऑक्शन में किसको किसको वो ज़्यादा खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि अब उनकी तैयारी शुरू हो गई होगी कि किस प्रकार के न्यूक्लियस उनकी टीम में होनी चाहिए। रितेंद्र, अगर हम आरसीबी के रनचेज की बात करें, कहां पर आपको लग रहा है गड़बड़ हो गई, विराट का शुरू में आउट होना या पडिकल और मैक्सवेल के बीच में एक अच्छी साझेदारी चल रही थी वो टूट गई, और रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिर रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि यहां पर आपको स्ट्राइक रोटेट करना आना बहुत जरूरी है, अगर आप बड़े शॉट्स खेलने जाएंगे तो अंत में आपको मुक्की खानी पड़ेगी, और ये पिछले कई मैचेस से हम देख रहे हैं, रन चेस करना और स्ट्राइक रोटेट ना कर पाना दो बड़ी चीजें हैं इस बार यूएई के जो आईपीएल का फेस टू हम देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा राजीव। सबसे पहले तो विराट कोहली का जल्दी आउट होना, क्योंकि उनपे ये टीम बहुत रिवॉल्व करती है। उसके बाद मैक्सवेल जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, वो तो मैच पूरी तरह खत्म ही कर देते दो ओवर पहले, लेकिन उनका रन आउट वॉज द टर्निंग पॉइंट। और अगर हम पदिकल की बात करें, जिस तरह वो अपनी इनिंग को पेस कर रहे थे, आपको मैच खत्म करना चाहिए था, लेकिन ऐसा पदिकल नहीं कर पाए। तो जी हाँ, बहुत कुछ है उनकी बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, स्ट्राइक रोटेट कम हो रहा था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार की जैसे भी साबा बात करें, बहुत बड़ा चेंज दिखा है। कल उन्होंने ज्यादा स्लोअर बंस नहीं डाली, उन्होंने अपनी यॉर्कर में बिलीव किया, पेस भी थोड़ी ठीक ठाक लग रही थी, ऐसी वाइड यॉर्कर्स डालना जो एबी डिविलियर्स को डाली इतने प्रेशर में बिल्कुल आसान नहीं है। तो भुवनेश्वर की जो फॉर्म उन्होंने कल पकड़ी है, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंकरेजिंग फैक्टर। चलिए पॉइंट्स टैली पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि आरसीबी के हारने के बाद क्या परिस्थिति बन रही है पॉइंट्स टैली में, क्योंकि दिल्ली अभी भी नंबर एक पर है, चेन्नई सुपर किंग नंबर दो पर है जो आज अपना मुकाबला खेलेगी। इसके अलावा अगर आप आरसीबी की बात करें तो लगभग उनके चांसेस अब खत्म से हो रहे हैं, बशर्ते ये कि वो आखिरी मैच में दिल्ली के खिलाफ कोई बड़ी जीत हासिल करके चेन्नई को नीचे ढकेल दें, और एक बड़ा सुनहरा मौका था आरसीबी के पास जो उन्होंने जाया किया। पॉइंट टैली पर नजर डाल दिए और आप देखें कि कौन सी टीम यहां पर क्वालिफाई कर सकती है चौथे नंबर के लिए। आज कोलकाता अपना मुकाबला खेलेगी, अगर वो मुकाबला जीत जाते हैं तो फिर मुंबई के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नेट रन रेट में कोलकाता बहुत आगे चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर आरसीबी की हार ने बड़ा झटका दिया है आरसीबी के चांसेस को टॉप टू में पहुंचने का। अब प्लेऑफ में वो क्वालिफाई तो कर चुके हैं, लेकिन जो दो मौके मिलते हैं जो टॉप टू टीम्स रहती हैं, वो मौका जाया कर दिया है आरसीबी ने। ये पॉइंट शैली इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपको कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आपको टॉप टू में रहना है, और इनकंसिस्टेंट रही है सभा। अगर हम आरसीबी की बात करें, दिल्ली और चेन्नई तो चैंपियन की तरह खेल रही है, आरसीबी के लिए आपको लग रहा है मुश्किल बढ़ गई है? एक तो अब नॉकआउट मुकाबला उनको खेलना पड़ेगा, और वहां पर इस तरह की गलती यानी बैटिंग ऑर्डर में इतने ज्यादा अगर आप चेंजेस करेंगे तो फिर दिक्कतें आएंगी। एबी डिविलियर्स को नंबर 6 पे खिलाना, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल नहीं राजीव, मुझे लगता है कि इसीलिए मुझे बड़ा ही अटपटा सा लगा कि नंबर 3 पर आप डैन क्रिश्चियन को ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने रन बनाए नहीं अभी तक,
ना तो इस आईपीएल में बनाए हैं, ना तो इसके पहले जब भी वो किसी टीम से खेलने, ऐसा कुछ उनका मैच विनिंग परफॉर्मेंस रहा नहीं है, तभी आप उनको नंबर तीन पर भेज रहे हैं। और अगर आप उनको भेज ही दिया नंबर तीन पर, तो फिर ग्लेन मैक्सवेल को आपने क्यों नहीं भेजा चार पर, पांच नंबर पर एबी डी विलियर्स को क्यों नहीं भेजा, फिर आपने चार नंबर पर केएस भरत को क्यों भेज दिया? क्योंकि जिस तरह की विकेट मिलती है जब रन चेस चाहिए, तो आपको जो सबसे बड़े बल्लेबाज हैं आपके, जो मैच विनर्स हैं, उनको ज़्यादा गेंदें मिलनी होगी रन बनाने के लिए, रन चेस करने के लिए। अगर आप उनको अंत में भेजेंगे तो वो खिलाड़ी जितना भी बड़ा हो जाए, आपको हर बार मैच नहीं जिता सकता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी भूल हुई है स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और इस तरह की गलती आरसीबी दोबारा नहीं दोहरा सकता है। मुझे लग रहा है कि वो वहाँ पर काम करने की आवश्यकता है आरसीबी को। आज का जो मुकाबला है अमराजी, वो भी डिसाइड करेगा कि नंबर दो पर कौन सी टीम जाती है। सीएसके के बीच में है मुकाबला। बिल्कुल, लेकिन आरसीबी भी एक सवाल रितेंद्र इसलिए बनता है क्योंकि अभी तक जो भी आईपीएल के सीजन रहे, आरसीबी ने दो बार तो क्वालिफाई किया है फाइनल तक के लिए, प्लेऑफ्स में भी वो पहुंचे हैं, लेकिन इस बार बड़े स्ट्रांग कंटेंडर के तौर पर उनको देखा जा रहा था। क्या इस हार से, क्योंकि हार बहुत छोटा सा रनचेज था जो वो नहीं कर पाए, साइड इफेक्ट उसका नजर आएगा जब आप नॉकआउट मैचेस में जाएंगे कि आप सडनली बॉब डाउन हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाती है बैटिंग ऑर्डर में? और ये बात आरसीबी के साथ इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा, एक मैच अच्छा और दूसरा मैच बहुत खराब। जी हाँ बिल्कुल राजीव, यहाँ पे मैं इसलिए दिल्ली की तारीफ करना चाहूंगा, कंसिस्टेंट खेली है, कोई भी मैच कॉम्प्लेसेंट नहीं हुई है, ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं दिखा है। लेकिन जैसे आरसीबी ने एक्सपेरिमेंट किया, एबी डी विलियर्स और मैक्सवेल की हम बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है विराट कोहली ओपन करे तीन पे मैक्सवेल, चार पे एबी डी विलियर्स, क्योंकि ये T20 क्रिकेट है। तो यहाँ पे ये हार से फर्क जरूर पड़ेगा, आप टॉप दो की रेस से बाहर हो गए तो आपको एक ही मैच मिलेगा, एक नॉकआउट गेम मिलेगा, और वहां पे कुछ भी हो सकता है, एक खराब दिन आपको टूर्नामेंट से कर सकता है। और जैसी बल्लेबाजी की है और इतना जो कम लक्ष्य चेज नहीं कर पाए हैं, यहां पे जरूर विराट कोहली टेंस होंगे और विचार करेंगे कि जो गलतियां कल हुई हैं वो टॉप फोर में ना हों।